क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द इज एटमासफियर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है वो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन जो है वो सेवेंटी एट परसेंट पाया जाता है द परसेंटेज ऑफ ऑर्गान इन द एटमोसफियर ऑर्गान एक नोबल गैस है नोबल गैसेज रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनके आउटर शेल कम्प्लीट होते हैं नोबल गैसेज वो गैसेस होती हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं या आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी वजह से नोबल गैसेस जो है वो रिएक्ट नहीं करती तो अर्गान एक नोबल गैस है इसकी एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है वो है सेवन पॉइंट एट परसेंट ऑप्शन वन ऑप्शन बी है वन पॉइंट एट परसेंट ऑप्शन सी है ज़ीरो पॉइंट नाइन परसेंट एंड ऑप्शन डी है अलेवन परसेंट तो जो करेक्ट आंसर है वो है ज़ीरो पॉइंट नाइन परसेंट एलिमेंट फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इज एलिमेंट जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो जिंक ऑप्शन ए ऑप्शन बी मरकरी ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑप्शन डी गोल्ड तो लिक्विड स्टेट में जो एलिमेंट पाया जाता है वो मरकरी है एलिमेंट फाउंड इन गैश स्टेट आर गैस की हालत में गैश स्टेट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं गोल्ड ऑप्शन वन है गोल्ड एंड सिल्वर सोना और चांदी ये दोनों सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन ऑप्शन बी है इसमें ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में है लेकिन कार्बन सॉलिड फॉर्म में है ऑप्शन नंबर डी है कॉपर एंड सोडियम तो ये दोनों सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है क्योंकि हर नाइट्रोजन भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन टू खसूसियात की बुनियाद पर एलिमेंट को कितने ग्रोप्स में डिवाइड किए गए टू ग्रोप्स थ्री ग्रोप्स फोर ग्रोप्स और फाइव ग्रोप्स तो खसूसियात की बुनियाद पर एलिमेंट को तीन ग्रोपों में डिवाइड किए गए जो कि मेटल नॉन मेटल और मेटलाइट इसलिए उन्नीसवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है थ्री ग्रोप्स वो क्रेक्ट आंसर होगा जी द मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ हमारे जिसम का ज़्यादातर हिस्सा कौन से ए, कौन सी चीज़ से मिलकर बना होता है एयर हवा से वाटर पानी से कार्बन कार्बन से कैल्शियम कैल्शियम से तो हमारे बॉडी में ज़्यादा मेदार में पाया जाने वाला जो कंपाउंड है जो चीज़ है वो वाटर है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा बीसवी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ आवर बॉडी इज़ कंसिस्ट ऑफ़ ओनली एलिमेंट्स हमारे जिसम का 99 नाइन परसेंट कितने एलिमेंट्स पर मुश्तम होता है ट्वेंटी एलिमेंट्स टेन एलिमेंट्स, सिक्स एलिमेंट और फोर एलिमेंट तो हमारे बॉडी का नाइन्टी नाइन परसेंट जो मैस है या वो हमारा बॉडी का जो नाइन्टी नाइन परसेंट है वो सिक्स एलिमेंट पर मुश्तमिल है जिनको बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी मैस इज़ हमारे बॉडी मास में कैल्शियम की कितनी मकदार पाई जाती है वन पॉइंट फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट थ्री पॉइंट जीरो परसेंट एंड ऑप्शन डी इज़ टेन परसेंट तो इसका ऑप्शन नंबर वन वन पॉइंट फाइव परसेंट जो है ये करेक्ट ऑप्शन द कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से बांड बनाने की सलाहियत क्या कहलाती है विलेंसी रिएक्टिविटी डेंसिटी और एक्टिविटी तो इसका ऑप्शन नंबर वन है विलेंसी द नाइट्रोजन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन इज वैलेंस शेल आखिरी शेल को कहते हैं तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन का कॉटामिक नंबर सेवन है इसके पहले शेल जो कि के, के है उसमें दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और बाकी कितने बचे पाँच तो इसके वैलेंस शेल में पाँच इलेक्ट्रॉन आएंगे द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ क्लोरीन की विलेंसी क्या है क्लोरीन का अटोमिक नंबर सेवनटीन है इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दूसरे में आठ आते हैं आठ और दो दस और आखिरी शेल में सात इलेक्ट्रॉन बचे सतारा सेवनटीन तो अब क्लोरीन को आपने आखिरी शेल में आठ कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए क्लोरीन जो है वो दूसरों से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसकी जो विलेंसी होगी वो माइनस वन होगी द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कार्बन की विलेंसी कितनी है वन टू थ्री और फोर कार्बन का टॉमिक नंबर सिक्स है इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में फोर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कार्बन की जो विलेंसी होगी वो फोर होगी अ ग्रोप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज इज कॉल्ड एटम का ग्रोप्स या एटमों का ग्रोप जिसके ऊपर कोई चार्ज हो उसे क्या कहते हैं उसे एटम कहते हैं उसे रेडिकल कहते हैं मालिक्यूल कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं तो उसे रेडिकल कहते हैं